का जो कभी एक घड़ी थी इधर, एक ब्रेसलेट था इधर, गले में चेन था, ये गॉगल पता नहीं कैसे रह गया, सगळं विकून आलो आहे. तो विकून टाक म्हणाले म्हणजे विकून टाकलं सगळं मी, म्हटलं आ गया मैं हसने को आ गया. और मेरे दोस्त की फिल्म है तो वो बच्चे जैसा है मेरे, तो आई एम शुभकामना है उसको. और काय बघत आहे विकून टाक. ओके, चंकी पांडे जो है मुख्य किरदार में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जो मराठी सिनेमा का, जो हिंदी सिनेमा का एक्टर है मराठी सिनेमा की तरफ भी आ रहे हैं, उसका मार्केट खुल रहा है मराठी सिनेमा का, तो कितनी खुशी होती है, कितना प्राउड फील होता है? एक तो एक दूसरा इक्वेशन है मेरा चंकी साहब के साथ. चंकी पांडे जब कॉलेज में थे वो मेरे दोस्त थे, तो हम लोग एक दूसरे को 1980 के पहले से जानते हैं और कंटिन्यूसली टच में भी रहे हैं. तो जब मैंने सुना कि वो कास्ट हो चुके हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई और एक तरह से एक सपोर्ट ही हो गया फॉर द इंडस्ट्री कि वो चल के आए और किरदार निभाया है. बहुत ही टेस्टी किरदार लगता है. अब जाऊंगा अंदर देखूंगा, लेकिन कहना पड़ेगा कि चंकी पांडे जो आग का गोला थे पहला नीलानी की पहली पिक्चर के वो हीरो थे, फिर आपने एन चंद्रा की फिल्म में देखा होगा तेजाब में थे, एंड नेपाली फिल्म्स के हीरो थे बहुत बड़े, अगर आपको मालूम नहीं है तो. एंड अब अनन्या भी चमक रही है, तो पिताजी का सीना तो चौड़ा हो ही गया होगा. सो मैनी मैनी गुड विशेज चंकी पांडे फॉर विकुन टाक. सब बेच के आया हूँ. सर, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहेंगे साथ एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर? मैं आ रहा हूँ मुंबई सायगा में, वो संजय गुप्ता की फिल्म है, हम एक विलन का किरदार निभा रहे हैं. और साइना नेहवाल आ रही है समर हॉलीडेज के एंड में, वेट अंटिल देन. साइना नेहवाल जिंदाबाद. तो सर परिणीति कितना जस्टिस कर पा रही है साइना नेहवाल के रोल में, क्या मैंने आपको बोला ना, नो क्वेश्चन, क्योंकि आई एम बाउंड टू माई प्रोड्यूसर नॉट टू आंसर योर क्वेश्चन. बट ये तो बता सकते हैं सर. चले बाय. क्या कहना चाहेंगे सर, कितना एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए? बेसिकली भक्तो ठाकूर आमचाच मुलगा, म्हणजे खूप जवळचा मित्र, आमच्या आपणाचा मुलगा, त्यामुळे हा पिक्चर घरातला सिनेमा आहे आणि खूप एक्साइटेड आहे. कारण तेजामध्ये चंकी पांडेबरोबर आम्ही काम केलं होतं, तर तो चंकी आता मार्गी सिनेमात कसं काम करतो, आमचा शिवरा खूप एक्साइटेड. आम्ही जयवंत भारतकर अशा सिनेमात आहे आणि समीर पाटील एक अतिशय हुशारचा दिग्दर्शक, त्याचा कॉमेडी सिनेमा नवीन येतो, त्याचे अगोदरचे सिनेमेसुद्धा खूप इंटरेस्टिंग होते आणि हाही सिनेमा खूप इंटरेस्टिंग असणार या वादन असणार. हा सिनेमा कारण याची पब्लिसिटी, हा तुम्ही एवढे बघताय नाही एवढी पब्लिसिटी, याच्यावरून इतकी छान झाली डिझाईन, त्याची खूप चांगली डिझाईन आहे, त्यामुळे खूप एक्साइटेड आहे मी या सिनेमा बघायला. विकून टाक आणि विकून टाकला खरंच खूप खूप यश मिळेल त्याची मला पूर्णपणे खात. ओके, त्याचे स्टारकास्टबद्दल काय सांगणार? ऑफकोर्स काय सो मच बिकॉज चंकी पांडे इज देअर, तर तेजाबच्या आठवणी आहेत, म्हणजे आम्ही काय काय मजा केली तीच मजा, ते तेजाबची जी मजा केली ती त्याच्यापेक्षा जास्त मजा विकुणकामध्ये असणारा चंकी मजा करणारा यात भाग द्यायचा. शिवराज भाईचं हा एक उत्कृष्ट ॲक्टर आहे, तो एक मजा करेल, खूप एक्साइटेड आहे. आणि डिरेक्टर समीर पाटील, त्याचा ॲक्टर विकुणकार मजा. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू. मराठी फिल्म है, कितना एंजॉय किया आपने शूट के दौरान और आज फाइनली जो है स्क्रीनिंग है, सब लोग देखने वाले? देखो भाई, मुझे 34 इयर्स हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, 1987 में आया था, और शर्म की बात यह है कि मुझे आज तक मौका नहीं मिला मराठी फिल्म करने का. अब पहली बार मिला है तो इसको मैंने पूरे निचोड़ के काम किया इसमें. वैसे आज हमारा प्रीमियर हो रहा है इधर PVR पे विकुन टाक का. फाइनली जब मैंने मराठी फिल्म की, इसमें मेरा मराठी का सिर्फ एक ही डायलॉग है, रोल बहुत लंबा है लेकिन डायलॉग एक ही है मराठी में, नहीं मैं गुंगा नहीं हूँ लेकिन वल्ला वल्ला मैं तो अरबी बनाया इसे. क्या पता यार, चंकी पांडे को लोग फॉरनर समझते हैं, मुझे जो भी रोल मिलते फॉरनर के रोल मिलते. पहले अपना सपना मनी मनी में नेपाली का रोल मिला, फिर आखिरी पास्ता का रोल मिला जो आधा इटालियन है, और अब जाके वल्ला वल्ला अरब बन गया हूँ मैं.
बट इट्स अ बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. इनफैक्ट जब ये रोल आया था मेरे पास तो पहले तो मैं एक्साइट हो गया बिकॉज डायरेक्टर थे समीर पाटिल जिसने पोस्टर बॉयज बनाई थी, हनी ठाकुर इसके प्रोड्यूसर थे जिसने रितेश के साथ येलो बनाई थी, पालक पालक बनाई थी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैनर था, स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर थे. और मैंने बोला ये पिक्चर मैं करने ही वाला हूँ, लेकिन जब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई तो पहले एक मिनट में मैंने उनको मना कर दिया. तो बोला भाई क्यों मना क्यों किया आपने, ऐसे ऐसे अरब का रोल करूँगा तो अरब लोग बोलेंगे वल्लाही अरब कौन से अरब देश का है. तो मैं सोचा शायद मैं अरब देशों में बैन हो जाऊं, लेकिन जब मैंने पूरी कहानी सुनी तो मुझे समझ में आया जो ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. और बोलते हैं ना कभी कभी अपने घर को साफ करने के लिए कोई बाहर वाले को बुलाना पड़ता है, और वही करता है ये अरब, ये पूरा एंड में सिक्सर मारता है और कुछ बहुत कमाल का करके जाता है. तो ये आप पिक्चर देखने के बाद आपको समझ में आएगा. तो सर मराठी फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मराठी फिल्में इन दिनों बहुत अच्छा कर रही है, जैसे सैराट की बात. सैराट अरे ये तानाजी देखो भाई, मराठी डायरेक्टर, मराठी सब्जेक्ट, मराठी हीरो तानाजी साहब, और इतना धंधा किया उसने 270 crores. मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि ये दोनों इंडस्ट्रीज की शादी होने वाली है, एक मेल होने वाला है, एक एक ही होने वाले हैं, बिकॉज हम लोग की लैंग्वेज इतनी मिलती जुलती है सबकी, और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर. और अब चंकी पांडे भी आ गया मराठी का, आई एम जो के फाइनली आ गया हूँ. मेरा एक्सपीरियंस रहा मराठी में, मुझे जो सबसे पसंद आया, वैसे ये लोग ने मुझे बोला था शूटिंग मुंबई में होने वाली है, और जब शूटिंग शुरू हुई तो ये लोग मुझे लेके गए फल्टन में. चलो मज़ा आया फल्टन में, छोटे से गांव में लेके गए थे फल्टन के पास, बहुत कमाल का पूरन पोली मोदक वोदक, गणपति का टाइम था तो वो भी सब खा लिया हमने. बट जो मुझे सीखने मिला इनसे वो था कि मराठी आर्टिस्ट में ईगो नहीं है, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिहर्सल्स करते हैं, सब स्टेज के बैकग्राउंड के हैं, तो यू नो बहुत मैंने सिर्फ सीखा है इनसे. ये लंबे लंबे 8-8 पेज के डायलॉग याद कर रहे थे, इम्प्रोवाइज कर रहे थे, मुझे भी सिखा रहे थे उसमें, तो दैट वाज अ ग्रेट 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 एक्सपीरियंस मुझे सीखने को मिला. मैं पहले सोचा मैं दादागिरी करूँगा यार, मैं बॉलीवुड का हूँ यार, मैं शेर हूँ ये हूँ, बट ऐसे कुछ नहीं हुआ. मैं एकदम मिलजुल के बहुत इन्जॉय किया. एक सेकेंड मेरा फ़ोन आ रहा है, शायद मेरी बीवी का फ़ोन है. नहीं ये 2 मिनट में फ़ोन किया था वापस, उसको रुकने को बोला. हेलो आज रुकने को बोल, 2 मिनट में करता हूँ फोन वापस. हाँ चंकी सर हो सकता है कि क्या है ना, मैं खुद का मैनेजर हूँ. हाँ जी ओके. हाँ क्या सोच के आपने मराठी बताया ना. अच्छा हाँ, जो इसका जो सब्जेक्ट है ना, अगर ये हिंदी में बनती, तेलुगू में बनती, बंगाली में बनती, मराठी में बनती, 8 पिक्चर है. इसका सब्जेक्ट बहुत ही टॉपिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो बोलते हैं ना ऑर्गेन डोनेशन, जो लोग अपनी किडनीज बेचते हैं, बहुत ही सीरियस टॉपिक है. लेकिन ये डायरेक्टर की ये खासियत है कि जब भी फिल्म बनाता है ना, बोलता है दवाई को मीठा बना के खिला देता है लोगों को. तो इसने ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट में बहुत कॉमेडी लेके आया और बहुत ही फनी सिचुएशंस लेके आया, तो आपको एक मैसेज मिलेगा पर आप बहुत एंटरटेन होंगे, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. म्यूजिक भी बहुत अच्छा पिक्चर. अरे अगर अगर अनन्या को सुपर स्टार बनना है तो उसको मराठी फिल्म करनी पड़ेगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मराठीत बोलोगे की हिंदीत? हिंदी में. मैं वैसे फिल्म आज अभी रिलीज हो रही है, मैं नर्वस कहते ही नहीं हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई फिल्म. ये जो फिल्म जो बनी है बहुत कमाल की बनी है. अभी दोपहर से शो शुरू हुए, ऑडियंस की जो रिएक्शंस आ रही हैं, लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है, और मैंने पहली बार इसमें निगेटिव कैरेक्टर किया है. पीपल आर लविंग माई निगेटिव रोल. और हमारे निर्देशक समीर पाटिल जिस तरीके की फिल्में बनाते हैं, काफ़ी बेहतरीन संदेश है फिल्म का, और आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी. अरे वो तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बुजुर्ग अभिनेता हैं और काफ़ी हमेशा चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं, बड़े मजाकिया मिजाज में रहते हैं वो, और इज एब्सोल्युटली हैप्पी ऑन द सेट्स ऑल द टाइम. तो काफ़ी इम्प्रोवाइज करने में और इसमें काफ़ी मदद हुई, और उन्हें कभी मतलब उम्र का तकाजा हमें ऐसे
महसूस नहीं करने दिया, तो यारी दोस्ती में बड़ा बेहतरीन काम किया उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे विक्रम टाप के बारे में, कितने एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए, मराठी फिल्म है और कितना लगाव है मराठी फिल्मों से? मराठी फिल्म अभी आज के तारीख में तो जितने भी निकल रहे हिट जा रहे, हिट जा रहे। और दूसरी बात तो ये अपने भाई है वृतुंग ठाकुर, ये निर्माता है, इन्होंने सब बहुत मेहनत से बनाया। और जो जगह पे ये रहते तो वहाँ का माहौल इन्होंने देखा हुआ है बचपन से, तो मुझे तो लगता है कि ये फुल हिट जाने वाली है, फुल हिट। और मेरी बहुत बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए कि ऐसे ही, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, अभी बीच में कौन था मेरे साथ इधर सारा स्टार में भी नए नए लोगों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है निकाल के जो दे रहे, तो ऐसे ऐसे निर्माता की जरूरत है अभी नए लोगों को काम देने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत लगी है और कितना नर्वस है आज सब लोग फिल्म देखने वाले हैं? भाव यहाँ पर है, चंकी पांडे भी पहुँचे हैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। मेहनत तो हर एक फिल्म को लगती है, वो चाहे हिट फिल्म हो या फ्लॉप फिल्म हो, मेहनत तो सबको लगती है। बट मैं भाव को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो आज आए फिल्म देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ उनको पसंद आएगी। और ये एक निर्माता के साथ साथ ना बहुत अच्छे इंसान भी, बहुत अच्छे इंसान है, इनको कदर है इंसानियत की, क्या है क्या नहीं। तो आप सब जितना मेरे को सपोर्ट किया ना आज तक, उतना ही अपने भाई को भी करने का, हाँ भाई को एकदम अपने को फेमस करने का, क्योंकि अब इनको जब तक अपन प्रमोट नहीं करते, आगे नहीं बढ़ाते, तो फिर कुछ कुछ ऐसे लोग ना छुपे हुए रहते, नर्वस हो जाते। तो इनको नर्वस मत करो, इनको प्रोत्साहन दो कि आप भाई साथ में आगे बढ़ाओ, जैसा मेरे को बढ़ा है ना, मैं कैसा ले रहा हूँ अभी टप्पा टप, वही सही समझा, तो आप आगे बढ़ाओ ऐसे लोगों को। आप कभी मराठी फिल्मों में दिखाई देंगे इन फ्यूचर, क्योंकि अभी बिग बॉस में आपको इतना लोगों ने पसंद किया, तो उतुंग के साथ क्या कोई कोलैबोरेशन होने वाला है इन फ्यूचर, या फिर उतुंग अगर आप कुछ बताए इस बारे में? कैसे है, पहला तो ना तुम लोग ना बहुत छुपे रुस्तम तुम लोग रहते, तुम लोग को हर चीज मालूम है, फिर भी ना मेरे को जबरदस्ती पूछते रहते हैं। हाँ तुम लोग से कुछ बात छुपी है क्या आज तक? सब कुछ मालूम है। उस दिन मेरे से किधर निकलवाया था तुम लोग ने, वो डॉन सिनेमा का जो था एसिड अटैक में, उसके पहला सारा स्टार में, तो सब निकल दो ना तो मालूम पड़ जाएगा। अरे भाई ने मौका दिया तो किधर न किधर कोने में बैठ जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा। ओके ठीक है, कल बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले है, कुछ विश करना चाहेंगे जो घर में आपके दोस्त लोग हैं? अभी जा रहा हूँ उसके शूट के लिए जा रहा हूँ, अभी इनसे पहला कैसा है घर का संबंध है, अरे इधर फिर मेरा अभी सलमान भाई के साथ शूट है, तो अभी 10 बजे मेरे को उधर पहुँचना है, मगर पहला है घर की बात, इधर पहले इधर आऊंगा फिर मैं सोचा उधर जाऊंगा, आप सबसे भी मिलना होता है ना मेरे को, तो पहला आपसे मिलता है बोला, फिर अभी कल भी शूट है फिनाले का, उधर ही मिलेंगे फिर सब लोग। भाव क्या लगता है कौन जीतेगा इसका? अभी मैं जा रहा हूँ, मैं फिलहाल मैं ही जाके बोलने वाला, जरा मेरे को कुछ देता है क्या ट्रॉफी भी वही देखता है, मैं जाके वही बोलता है। मेरी जितने भी अंदर रह गए सबको शुभकामनाएं, क्योंकि सब ने मेहनत की है, तो मैं चाहता हूँ कि सब बने यार, सबको मिले बस। चलो चलो चलो, हाँ पहला तो आता मी मराठीमध्ये बोलतो, आपले तुत्तुंग हितेंद्र ठाकूर यांनी जे विकून टाका हे जी, हां विकून टाक टाकून द्या विकून, आणि ते आता विकणारच आहेत, कन्फर्म आहे, कारण असे पिक्चरची नावं आज लोकांना पाहिजे, काहीतरी हटके पाहिजे, तर लोकांना ह्याचीच गरज आहे आता। तर माझ्यातर्फे यांना खूप खूप शुभेच्छा आहेत पुढील वाटचालीसाठी, आणि मी सदैव सदैव यांच्याबरोबर आहे, आणि तुम्ही पण यांना जेवढं होऊ शकता सपोर्ट करा बस, धन्यवाद। भाऊ लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, आपके फैंस जो है थोड़े से नाराज है यूट्यूब चैनल जो आपका डिलीट हुआ है उसको लेकर, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? अरे पहला तो यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है ना, तो अभी आपको ज्यादा नहीं 3-4 दिन में पता चलेगा क्या हुआ और क्या नहीं, और जिन्होंने भी किया ना उनके पिछवाड़े में झाड़ू डाल के मोर बनाने वाला हूँ मैं अभी। हाँ अभी ये बोल के मतलब नहीं है, अभी सब कुछ आपके सामने मैं क्लियर रखता है, और को मालूम भाऊ कैसा है, मोर भी बनाता है, कुरकुरे भी खिलाता है, नारियल पानी भी, तो अभी 2-4 दिन में देख लो
किसकी किसकी औकात क्या है वो, ठीक है। आओ फिर।